आगरा जनपद के गरीब किसान गणपत सिंह ने इलाज के अभाव में तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। बेटे ने बताया कि जब एसएन मेडिकल कॉलेज ले गए तो वहां से वीआ कहकर लौटा दिया गया कि सिर्फ कोविड के पेशेंट को भर्ती किया जा रहा है, जिस वजह से मजबूर बेटे ने कर्जा लेकर पिता को निजी अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन वहां भी इलाज सही नहीं हो सका और वहां भी तमाम खर्चे जोड़ दिए गए, जिस कारण वहां से वापस फिर से एसएन मेडिकल कॉलेज ले गए, लेकिन वहां तब तक पिता ने दम तोड़ दिया। 1 मई को हम एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा गए, जहां पर सभी डॉक्टरों ने हमें 2 घंटे तक परेशान किया और कहीं एडमिट नहीं किया। एक्सरे करा के हमें बोल दिया कि आपकी तो तकलीफ ज्यादा है और हम यहाँ कोविड वार्ड, जो हमारे यहाँ कोविड वार्ड है और हम कोरोना के मरीजों का ही यहाँ इलाज करते हैं, दूसरे मरीजों का नहीं। मरीज कितना भी सीरियस हो, लेकिन वहाँ डॉक्टरों को केवल अपनी व्यवस्था से मतलब होता है। उसके बाद में जब हम हार तक करके फिर आए तो इतने हमारे पास पूंजी नहीं थी कि हम सही तरीके से अपने पिताजी का इलाज बड़े सेटअप में करा सकें, जो कि पैसा हम खर्च कर सकें। उसके बाद हमने सोचा कि कहीं नहीं तो हम अपनी हद तक जा सकते हैं। हमने कर्ज किया और एक निजी अस्पताल में, हमने रामबाग क्षेत्र में अस्पताल में जो है भर्ती कराया और इलाज कराने लगे, लेकिन वहाँ से भी कोई आराम नहीं मिला। धीमे धीमे पेशाब बिल्कुल आना बंद हो गया और पेट फूलता गया। जब स्थिति ज़्यादा बद से बदतर हो गई तो यहाँ के जो चिकित्सक थे, डॉक्टर थे, उन्होंने हमें बोला कि अब ये नहीं निकल पाएंगे, आप कहीं बड़े सेटअप में ले जाओ। जो स्थिति हमारे 1 तारीख को थी, अगर 1 तारीख को ही हमें वहाँ भर्ती कर लिया जाता तो ये स्थिति नहीं होती। हम ये सोच करके कि अब हमारे पास पैसा नहीं है, बड़े सेटअप में हम ले जा नहीं सकते, फिर हम क्या करेंगे। हमने कर्ज करने की कोशिश की और हम पुष्पांजलि ले गए, जहाँ हमें 1 लाख फीस बता करके, एडमिशन फीस में 1 लाख रुपये बता करके हम लोगों को डरा दिया गया। तो हमने सोचा कि इतना पैसा हम कहाँ से लाएंगे, और ये देख करके हम दोबारा से एक बार फिर 12 तारीख को एसएन मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां हमने 2 घंटे तक एम्बुलेंस में अपने पिताजी की, जो पिताजी थे, उनको लिटाया, मम्मी को पास में छोड़ा। मैं और मेरे मामा जी, हम दोनों ने एक पैर से पूरे उस इमरजेंसी के चक्कर लगाए, जहां पता नहीं कभी कोई डॉक्टर कहीं मिल रहा है, कभी कोई डॉक्टर कहीं मिल रहा है, कभी कोई जाँच कहीं हो रही है, कभी कोई जाँच कहीं हो रही है। सब पूरे स्टाफ को हम लोगों ने गुहार लगाई और वहाँ हम लोगों ने पूरी कोशिश करी, लेकिन 1.5-2 घंटे की मशक्क़त के बाद जब हमें एडमिशन मिला तो वहाँ पिताजी को हमने देखा कि 10 मिनट बाद डॉक्टरों ने हाथ पकड़ के तो नहीं, बहुत दूर से, करीब 4-5 मीटर दूर से बोले कि इनमें तो पता नहीं, यहाँ इस तरीके का इलाज तो चल ही नहीं रहा है कि क्या दिक्कत है क्या नहीं है। आप एक काम करिए, पहले ग्लव्स लाइए, फिर उसके बाद में सैनिटाइजर मंगाया, उसके बाद मतलब इतना सारा ताम जाम किया, उसमें समय लगाया 10 मिनट का। उसके बाद मुझे हाइड्रोजन मास्क लेने के लिए और बहुत सारा सामान लेने के लिए बाहर भेज दिया, जो कि अस्पताल से, जो इमरजेंसी से करीब 2 किलोमीटर की दूरी है राजा मंडी, वहाँ से अंदर बाजार में मुझे सामान लेने के लिए, मेडिसिन लेने के लिए भेजा। एक बार नहीं, 2 बार भेजा मुझे, तो 2 बार भेजा, तब तक मेरे पिताजी ठीक थे वहाँ पर, लेकिन जब मैं 3री बार आया तो मेरे पिताजी मुझे नहीं